हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से विभिन्न ट्रेडों में न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फॉर्म कब से कब तक अप्लाई होगा, फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए और कौन कौन से विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो फ्रेंड, बिना देर के चलते हैं वीडियो के टॉपिक पर और समझते हैं। अप्लीकेशन फ़ी की बात करें फ्रेंड, तो 13 तारीख नौवां महीना 2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा, जो कि 12 तारीख दसवां महीना 2023 तक भरा जाएगा। जनरल ओबीसी को फॉर्म भरने में 1180 रुपया लगेगा। एससी एसटी या कोई पीएच कैंडिडेट हो, उसे फॉर्म भरने में एक भी रुपया नहीं लगेगा। उम्र की बात करें फ्रेंड, तो आप लोग को कम से कम उम्र नहीं बताया गया है, यानी आप लोग कितने भी वर्ष के हों इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कितने भी वर्ष के हैं, इसका क्राइटेरिया को अगर आप लोग पूरा करते हैं इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। अधिक से अधिक आप लोग का 30 वर्ष उम्र होना चाहिए और कम से कम नहीं बताया गया फ्रेंड। अगर जो आप लोग 30 वर्ष तक इसका क्राइटेरिया को जो भी ये मांगता है, योग्यता मांगता है, उसको फुलफिल करते हैं फ्रेंड, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अधिक से अधिक आप लोग का उम्र 30 वर्ष बताया गया है और कम से कम नहीं बताया गया है फ्रेंड कि कम से कम कितना होना चाहिए। अधिक से अधिक 30 वर्ष होना चाहिए। आप लोग का जो एज काउंट किया जाएगा फ्रेंड, 31 तारीख आठवां महीना 2023 से काउंट किया जाएगा। अगर जो फ्रेंड आप लोग को 30 वर्ष के अंदर या 30 वर्ष तक आप लोग इसका जो भी योग्यता मानता है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए उसको फुलफिल करते हैं, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड, तो 560 पद पर वैकेंसी आया हुआ है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बताया गया है ट्रेड के बारे में कि इस वैकेंसी में कौन कौन से ट्रेड में वैकेंसी आया हुआ है। यहाँ पर पोस्ट के बारे में बताया गया है। माइनिंग इंजीनियरिंग, इसमें 351 पोस्ट है फ्रेंड। सिविल इंजीनियरिंग, इसमें 172 पोस्ट है। और जियोलॉजी, इसमें 37 पोस्ट है। टोटल पोस्ट की बात करें फ्रेंड, तो 560 पद पर वैकेंसी आया। यहाँ पर बताया गया है फ्रेंड कि कौन से ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। फ्रेंड, हम लोग जान लेते हैं कि कौन से ट्रेड में फॉर्म अप्लाई करने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। फ्रेंड, माइनिंग में अगर आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग माइनिंग इंजीनियरिंग किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से किए होना चाहिए और उसमें आप लोग को 60% मार्क्स चाहिए। फ्रेंड, सिविल में आप लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग आप लोग किए हुए चाहिए और मान्यता प्राप्त बोर्ड से उसमें आप लोग को 60% मार्क्स चाहिए। और फ्रेंड, आप लोग जियोलॉजी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप लोग एमएससी या एमटेक जियोलॉजी या जियो फिजिक्स में किए होना चाहिए और भी 60% मार्क्स के साथ, और आप लोग को मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आप लोग किए होने चाहिए। क्या मैंने कहा फ्रेंड, जियोलॉजी के लिए। जियोलॉजी में आप लोग फॉर्म को अप्लाई करने के लिए फ्रेंड, जियोलॉजी ट्रेड में फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एमएससी या एमटेक आप लोग किए होने चाहिए। उस क्या में फ्रेंड, जियोलॉजी या जियो फिजिक्स में फ्रेंड, और वो भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से आप लोग को 60% मार्क्स होना चाहिए। फ्रेंड, अगर आप लोग को इस वैकेंसी से संबंधित कोई भी डाउट हो, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। मैं आप लोग को कमेंट के माध्यम से रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा, समझाने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड, अगर आप लोग को कमेंट के माध्यम से समझ नहीं आता है, तो मैं आप लोग के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैं उसमें आप लोग को समझाने का कोशिश करूंगा। फ्रेंड, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए और गवर्नमेंट जॉब का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय।